आज हम सीखेंगे एक्सेल में किस तरह परचेस रिपोर्ट बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और जूम इंक्रीज कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों परचेस रिपोर्ट बनाना। सबसे पहले हम परचेस रिपोर्ट बनाते हुए किसी भी कंपनी का नाम ले लेते हैं। हमारी जितनी भी हेडिंग्स होती हैं दोस्तों, वो तमाम कोशिश किया करें कैपिटल में हो। स्टेशनरी कंपनी, मैंने एक कंपनी का नाम रख लिया स्टेशनरी कंपनी। F2 से मैंने इसको एडिट किया दोस्तों। ABC स्टेशनरी कंपनी, जो चीज़ बना रहे हैं उस रिपोर्ट का नाम परचेस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जून 2017 की। ठीक है, सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, देन नेम ऑफ प्रोडक्ट, देन प्राइस क्वांटिटी एंड अमाउंट। हमने सीरियल नंबर वाले कॉलम्स को स्मॉल कर लिया, नेम ऑफ प्रोडक्ट वाले कॉलम को लार्ज, देन इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। देन सेंटर में करना है, सेंटर में सीरियल नंबर 1 लिखा, देन 2, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया और कॉर्नर से ब्रेक करते हुए नीचे लिया है। नेम ऑफ प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग ABC स्टेशनरी कंपनी बना रहे हैं तो स्टेशनरी के आइटम तमाम लिख लेते हैं, जैसे बुक, कॉपी, इरेजर, शार्पनर, पेन, पेंसिल, पेपर्स, इंक, इसके अलावा UHU और कलर पेपर। अब यहाँ पे हम प्राइस दे देते हैं। स्टेशनरी कंपनी है दोस्तों, ठीक है, एक बड़ी कंपनी है। अब मैंने बोला बुक जो है 100 रुपये, कॉपी जो है तकरीबन 50 रुपीज़ की, ठीक है, इरेजर 5, शार्पनर 5, पेन 15, पेंसिल 10, पेपर्स मैंने 25 ले लिए, इंक मैंने 15 ले ली, USU मैंने बोला 25 का है और कलर पेपर मैंने बोले 60 रुपीज़ की। क्वांटिटी, जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए, मैंने बोला 50 चाहिए, 60 चाहिए, 20, 10, 30, जो भी मुझे क्वांटिटी चाहिए मैं यहाँ से क्वांटिटी ले लूँगा। देन दोस्तों अब हमें लगाना है फार्मूला, यानी हम परचेस रिपोर्ट बना रहे हैं दोस्तों, तो हम इसमें फार्मूला क्या लगाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम सीख लें इस चीज़ को कि परचेस रिपोर्ट हम बनाते क्यों। एक स्टेशनरी कंपनी है दोस्तों, ये बना रही है परचेस रिपोर्ट, यानी जो भी ये आइटम परचेस कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, तो ये कोई ना कोई रिपोर्ट मेंटेन कर रही होगी, तो दोस्तों हम वो चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, वो रिपोर्ट बना रहे हैं। किस मंथ की बना रही है दोस्तों ये, फॉर द मंथ ऑफ जून, और ईयर कौन सा, 2017 का। सीरियल नंबर ले लिया, नेम ऑफ प्रोडक्ट जो भी इसके पास प्रोडक्ट है, प्राइस जो भी दिए हुए, क्वान्टिटी जो भी दी। अब हमें निकालना है दोस्तों फार्मूले की मदद से अमाउंट। तो फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल टू, देन हमें देना है एड्रेस, यानी प्राइस को मल्टीप्लाई करवाना है क्वांटिटी से। तो प्राइस का एड्रेस क्या दोस्तों, C5। मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने, और क्वांटिटी के सेल का एड्रेस क्या है, रेफरेंस 5, D5, इंटर। दोस्तों हमने इसको फार्मूला लगाया, फिर हमने कॉर्नर से इसको ब्रेक करते हुए नीचे दिया है। सिंपल, हमारी परचेस रिपोर्ट तैयार। यहाँ पे आ गए दोस्तों, अब हमें सम करना है, SUM सम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन करी हमने दोस्तों और इंटर। सिंपल आसान है, यहाँ पे हमने लिखा टोटल अमाउंट। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमने सिलेक्शन करी मर्चेंट सेंटर, यह हेडिंग्स हम बीच में लाना चाहते हैं, मर्च एंड सेंटर, मर्च एंड सेंटर।
मर्चेंट सेंटर, इन तमाम डेटा की सिलेक्शन करी बोल्ड। देन बोल्ड, कोई भी अगर आपको कलर वगैरह करना है इसके अंदर, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। हम तमाम डेटा को सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारी परचेज रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, ये सिंपल परचेज रिपोर्ट बनाते हैं। और अगर हमें कॉमा वगैरह लगाना है अपनी अमाउंट्स वगैरह में, ये मैंने सेव कर दबा दिया, कॉमा यहाँ से 200 हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखी है परचेस रिपोर्ट हम किस तरह बनाते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हम फाइल को सेव भी करवा देते हैं। परचेस रिपोर्ट, आज हमने परचेस रिपोर्ट सीखी है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। हम जितनी भी परचेजिंग वगैरह कर रहे होते हैं इसी रिपोर्ट के बिहाफ पे कर रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी जो भी वीडियो दोस्तों पसंद आती है आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, और अपने फैमिलीज में अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करें, ताकि उनके भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।